वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनवायरनमेंट लॉ। ये यूनिट में दो जो मेन टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट लॉ एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, इससे हम डील करेंगे। एंड वो जो एनवायरनमेंट लॉ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे कन्वेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में क्लास में, वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहला टॉपिक जो है एनवायरनमेंट लॉ, वी गो थ्रू इट फर्स्टली। एनवायरनमेंट लॉ सबसे पहली चीज़, दिस टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट लॉ विच इज़ बेसिकली डीलिंग विद द प्रोटेक्शन एंड एनहेंसमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना रिच है, उसमें हर एक प्रोविजन हर एक एस्पेक्ट कवर किया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन एंड बेनिफिट ऑफ द सिटीजन। उसमें से एक प्रोविजन है जो एनवायरनमेंट लॉ से डील करता है, और वो प्रोविजन है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड एक्ट्स एंड सिविल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद प्रोटेक्शन एंड एनहेंसमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। फंडामेंटल ड्यूटी अटो Are they doing non-bold I directive principles that the government is the state police. forward. या मेक सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी ये दो प्रोविजन सील कर रहे हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट फंडामेंटल स्टेट पॉलिसी। सो जो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो क्या है बेसिकली? दीज आर द गाइडलाइंस दैट आर गिवन टू द स्टेट टू मेक इंडिया अ वेलफेयर स्टेट। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन टूवर्ड्स अ नेशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इसके साथ डील करता है दैट इट इज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द लैंड, द प्रोटेक्शन ऑफ लेक्स रिवर्स वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो प्रोविजन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, प्रोटेक्शन ऑफ लेक वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रिवर्स, ये किससे कनेक्टेड है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट से। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारा कवर हो गया, उससे डील करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का। पर फंडामेंटल ड्यूटीज तब आते हैं, ये कैसे डील करता है? तो भी इसमें भी प्रोविजन दिया गया है दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन टूवर्ड्स अ नेशन टू एनहेंस एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो ये मैंने आपको प्रोविडेंस बता दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दैट डील विद द प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। अब हम इसमें ये देखते हैं ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आए बेसिकली, चाहे वो फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू हो, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ये कहाँ से आए? बाय द 42nd अमेंडमेंट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाईली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दैट टुक प्लेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड असेसमेंट क्यों हुई इंडिया में आप याद रखिए, ये आई थी टू इम्प्लीमेंट दोज डिसीजंस एंड एग्रीमेंट्स और द एंड द स्टेप्स दैट वर टेकन इन द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। एंड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है ये 1972 में आई। इसी कॉन्फ्रेंस में जो भी प्रोविजंस थे, जो एग्रीमेंट हुआ था, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो दे
enabled the Indian constitution to make various provisions, as well as this was the reason which was seen as the root cause for the enactment of Environmental Protection Act. Environmental Protection Act जो है ये सब बहुत ही important acts है. Environmental Protection Act. और ये कब आया था? 1986 में. तो जैसा कि मैंने आपको कहा, स्टॉकहोम कॉन्सेंस के कारण ये सारे अमेंडमेंट्स हुए, चेंजेस हुए, इसकी वजह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू हुआ. सबसे पहले जी इसमें ये आप समझ लीजिए दैट जस्ट बिकॉज नो कॉन्सेंस 1972 में हुआ था स्टॉकहोम कॉन्सेंस, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन सबसे पहले इंडिया में हुआ था थ्रू वेरियस स्टेप्स. सबसे पहले आया था इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, या 1972 में. फिर उसके बाद 1891 में एक बार प्रोटेक्शन एक्ट यूज किया था, दैट वॉज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट. ये आया 1974 में. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाले आया. ये नेशनल लेवल में जो चेंजेस आए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रोविजन जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट किए थे इन द वीक ऑफ दैट स्टॉप ऑन बॉयसेंस, ये मैं आपसे डिस्कस अभी कर रहा हूँ. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले आया था 1972 में, 1972 में. उसके बाद आया वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974. वैसे ही एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया था 1981. ये इम्पोर्टेंट प्रोविजन आए थे. अब हम इसमें देखेंगे जो इतने सारे प्रोविजन आए, ये सब कुछ हुआ, ये स्टॉकहोम कॉन्सेंस की वजह से ही हुआ है. और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, अब हम इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे क्लास में, लेकिन आपको ओवर ये जो बता रहा हूँ इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस था, तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, इसका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था. सबसे पहले जैसे देखिए, जो ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट के बारे में है, ये क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इट वॉज बेसिकली डीलिंग विद द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, बाई क्लासिफाइंग देम एज एंडेंजर्ड स्पीशीज और वॉट आर वल्नरेबल स्पीशीज. और उसके बेसिस पे जैसे प्रोविजन आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन के दिए गए हैं. अब एनिमल्स को, देर आर सम एनिमल्स, देर आर मेनी एनिमल्स, नॉट सम, इनफैक्ट मेनी एनिमल्स विच यू कांट, यू आर नॉट सपोज टू हंट, जैसे टाइगर है या कोई एंडेंजर स्पीशीज के एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जिनको जिनका शिकार करना बिल्कुल जुर्माना है, उसमें जुर्माना लगता है, जुर्म है उनका शिकार करना. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 और एयर का आ रहे हैं था 1981 में. उसके बाद जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका हम सिग्निफिकेंस आप देखते हैं. सबसे पहली चीज जो मैंने आपको समझाई नहीं, दैट इट वॉज ऑल इन द वेक ऑफ दैट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972. एक और चीज हुई थी इंडिया में, एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ था जिसके कारण एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो इम्प्लीमेंट हुआ था, दैट वॉज द भोपाल गैस ट्रेजेडी. और ये कब हुई थी? December 2nd, 1984. ये इतना बड़ा डिजास्टर था जिसके कारण एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बिल्कुल फोर्स में आ गया था 1986 में. इसका जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे पहली चीज क्या है,
that it deals with what were the इसका पर्पस क्या था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट्स दैट वर टेकिंग प्लेस इन द स्टॉक फॉर्म पॉलिसी फ्रॉम 1972. फिर यू हैव टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज. और ये कौन सी पॉलिसीज हैं विच टू प्लेस ड्यूरिंग द 1972 स्टॉक फॉर्म कॉन्फ्रेंस. Second, implement policies of stock fund for defense on procedures dependent on stock fund for defense. Policies on 1972. Sabse pehla cheez ye tha isme. Second important cheez kya hai? To regulate the functioning of industries इन इंडिया, और ऐसे उनको फंक्शन करना है जिससे कोई भी एनवायरनमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्री सेकेंड इम्पोर्टेंस है इसका. नाउ कमिंग टू द थर्ड इम्पैक्ट दैट वॉज फंक्शनिंग ऑफ एजेंसी. देयर मेनी एजेंसी दैट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट ऑफ एनवायरनमेंट. On thing of agencies and BPA funds and coordination of agencies. Adult. I'm listing a bahut sari agencies that goes national level pe kaam karti hai, state level pe for the protection and enhancement of environment. So uske saath bhi kaise unka coordination hona chahiye between the agency. इससे भी डी दर्शा था. फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज ये थी इसमें दैट एनैक्टमेंट ऑफ लॉज. फोर्थ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एनैक्टमेंट ऑफ लॉज. Protecting and demanding. About it, don't go by the third thing is telling him aside, they're setting on the yard. And that might have laws for protecting the environment. आपको पता है ये लॉज अब इम्प्लीमेंट होता है किसी भी जगह में उसकी वायलेशन तो होती ही होती है. ह्यूमन टेंडेंसी है. जो फिफ्थ इम्पैक्ट जो फिफ्थ इसका फंक्शनिंग था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, वो ये था दैट जो लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इम्प्लीमेंट किए गए हैं अगर उनको कोई वायलेट करता है तो उस पर पेनल्टी इम्पोज कर दे. सो फिर फैसले बीज इज पेनल्टीज विच आर बेसिकली 5 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन. हम नहीं फिर उसमें और भी चेंजेस आई 5 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन के साथ साथ. अगर कुछ ज़्यादा सी एस लेवल का है तो इसमें ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट को इंक्रीज करना है फ्रॉम 5 to 7 years और इंक्रीज टू 7 years. ये मैंने आपको बता दिया दैट इसमें क्या क्या इसके फंक्शनिंग है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के. और सबसे बेसिक जो कि फाइनल इसका फंक्शनिंग था वो था टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है दैट आप ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करो जिससे रिसोर्सेज यूज होंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड ऑल्सो देर शुड बी नो extinction of those resources. They should be used in such a systematic way that they should be available for the future. Your final functioning is the sustainable development. Development only takes with promotion. Brown. ये resources आपको ऐसे use करोगे जिससे environment के लिए वो बचे भी रहेंगे आगे चलने के लिए और उनका इस्तेमाल भी कर सकते.
तो ये मैंने जब आपको क्वेश्चनिंग बताई इसके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, इसमें एक और ये मैंने आपके साथ जैसे अभी डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एनवायरमेंट लॉ में, ये आपको पता होनी चाहिए दैट व्हाट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. Impact now. Assessment. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सके. देखिए मैं आपको एक चीज समझाया, इम्पैक्ट असेसमेंट वो होता है. देखिए जब कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनैक्ट कर रही है गवर्नमेंट किसी भी वे में, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट हैज टू सी व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन इन द एनवायरमेंट एंड वेदर, ऐसा नहीं होना चाहिए वेदर द इम्पैक्ट विल बी दैट डिवास्टेटिंग दैट इट विल नॉट बी एबल टू द गवर्नमेंट ऑन द कंट्री विल नॉट बी एबल टू ओवरकम दैट लॉस, वो नहीं होना चाहिए. फॉर देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक यूज ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिस्टमैटिक वे. इसका मतलब ये है दैट अगर आप कहीं पर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ला रहे हैं, गवर्नमेंट हमेशा ही असिस्ट करता है दैट इसमें कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए एनवायरमेंट पर जिससे इतना सीवियर लॉस होएगा कि हम उसको ओवरकम कभी कर ही नहीं पाएंगे. तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो यही देखता है, इसके वर्ड इस सेंटेंस इन वर्ड से ही समझ में आता है द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच इज वो यू टेक प्लेस उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा एनवायरमेंट. ये मैंने आपको बता दिया. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 2 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सेक्शन 3, सेक्शन 9, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन. सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे रिगार्डिंग द एनवायरमेंट एंड द पोल्यूशन एंड दे कम अंडर सेक्शन 2. सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट इज सेक्शन 2 व्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 2 के अंडर कुछ डेफिनेशन आती है. सबसे पहली चीज है, मैं आपसे कुछ ब्रीफली डिस्कस करना चाहूंगा जो सेक्शन 2 के अंडर डेफिनेशन आ रही है. वॉट इज एनवायरमेंट पोल्यूटेंट, मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवायरमेंट पोल्यूटेंट, एनवायरमेंटल पोल्यू. इसका मतलब ये है द प्रेजेंस ऑफ सच एन एलिमेंट हूज कंसेंट्रेशन वेन एक्सीडेड टू द प्रेस्क्राइब लिमिट्स इन द एनवायरमेंट विल कॉज पोल्यूशन एंड विल लीड टू द डिटोरेशन ऑफ एनवायरमेंट इज नोन एज एन एनवायरमेंट पोल्यूटेंट. इसका मतलब ये है कि अगर कोई पदार्थ, कोई एलिमेंट, कोई ऐसी चीज जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है अपनी हद से ज़्यादा, और उसकी हद से ज़्यादा जब वो प्रेजेंट होता है उसका नेगेटिव रिपरकशन नहीं होता, और नेगेटिव रिपरकशन क्या होता है, इट लीड टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट हैज मेनी हैजार्डस इम्पैक्ट. सो हर एक उसका लिमिट प्रेस्क्राइब होता है कि अब किसी लिमिट से ज़्यादा वो अगर एलिमेंट प्रेजेंट है एनवायरमेंट में तो उससे गड़बड़ हो जाता है, हैजार्डस इम्पैक्ट आने का. एंड व्हाट इज ये मैंने बोला एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट क्या होता है. अब मैंने एक और वर्ड आपको बताना है एनवायरमेंटल पोल्यूशन. द प्रेजेंस ऑन द पोल्यूशन, द पोल्यूशन दैट इज कॉल्ड ड्यू टू द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट इन द एनवायरमेंट लीड्स टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. ये सिंपल है. अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं ये टॉपिक से रिलेटेड. एनवायरमेंट, एनवायरमेंट देखा मैंने आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन बताया था, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट क्या होता है वो भी बताया था. फिर इसमें अब एक चीज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट खुद क्या होता है. डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरनिया, फ्रेंच वर्ड. Wow.
it needs to surround environmentally to surround. जो भी चीज आपकी सराउंडिंग में उसको एनवायरनमेंट कहते हैं. अब इसमें एक चीज है दैट देर आर मेनी थिंग्स दैट इमीडिएटली सराउंड यू विच में बी एबायोटिक लाइक लाइट टेम्परेचर सॉइल इवन दे आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड देर आर बायोटिक फैक्टर्स दैट सराउंड यू. बायोटिक फैक्टर्स आता है प्लांट्स एनिमल्स एंड वॉट इज द रिलेशन बिटवीन द प्लांट्स एनिमल्स and various other abiotic elements of the environment. Jo relation batata hai environment mein kya include hota hai, jo relation hai between the living, that is a biotic element kya hota hai, jo living hai jaise plants animals hai, and the abiotic elements that is light soil temperature, inke beech mein kya correlation hai, relation kya hai, how are they dependent on each other. So these things are included in the word environment. Phir isme ek aur important cheez hai, hazardous element. What is a hazardous element? Hazardous element क्या होता है? Hazard से क्या आप समझते हैं? कोई चीज बहुत हानिकारक, dangerous, harmful. So ये hazardous element वो element है या कोई ऐसी चीज जिसका फिजियोकेमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके कारण एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता है. आप ये की तरह समझ लीजिए, इट हैज गॉट वेरी हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव फिजियोकेमिकल स्ट्रक्चर. तो ये कितना विनाशकारी चीज है दैट इससे इसकी प्रेजेंस से इतना डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इसका फिजियोकेमिकल स्ट्रक्चर ही खराब है काफी. तो दिस इज अ हैजार्डस एलिमेंट. अब हम इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था दैट स्ट्रॉन्ग बायोफ्रेंस की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आई, अमेंडमेंट आई टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस एनवायरनमेंट. स्ट्रॉन्ग बायोफ्रेंस क्या था? 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इनैक्ट हुआ, वहाँ पे इट टू प्लेस इन स्टॉकहोम एंड इट वॉज बेसिकली टू डील विद व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट एंड हाउ टू एड्रेस देम. क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं और उनको कैसे एड्रेस करना है, वो उसके साथ डील करता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. फिर अब हमने ये देखा, जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने आपको बताया, ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था. पॉल्यूशन के बारे में भी मैं आपको बताया था, क्या पॉल्यूशन जो है उसके भी बहुत सारे प्रकार है. पॉल्यूशन टाइप्स, एयर, वाटर, सॉइल, ये तो आपको सबको पता भी होगा, ये आपने स्कूल टाइम से ही पढ़ा होगा, एयर पॉल्यूशन, वाटर सॉइल पॉल्यूशन. और इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी है जैसे नॉइस पॉल्यूशन. रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इस सब्जेक्ट में बहुत सारी कॉन्सेंसेस है जिनके बारे में हम क्लास में पढ़ेंगे, वो कॉन्सेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है. ये मैंने आपको पांच प्रकार बताए पॉल्यूशन के, और ये पॉल्यूशन कहाँ से है जो मैंने आपको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बताया था अभी थोड़ी देर पहले. सो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में जब पॉल्यूटेंट की कंसनट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा लिमिट में, वो पॉल्यूशन कॉज करता है, सो इट स्पॉइल्स द एनवायरमेंट. अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट आई की पॉल्यूशन है ई वेस्ट पॉल्यूशन. तो व्हाट इज ई वेस्ट पॉल्यूशन, हम पहले देखेंगे व्हाट आर ई वेस्ट पॉल्यूशन.
ये आता है पहले हम देखते हैं ई वेस्ट क्या होता है। ई वेस्ट वो जब ई वेस्ट पॉल्यूशन कॉल्ड द ई वेस्ट डंपिंग्स है। कोई ऐसी कॉमोडिटी जो इलेक्ट्रिकल यूज जिसमें हो रहा है जैसे लैपटॉप्स फ्रिजेस, इनको जब डंप किया जाता है बहुत मात्रा में कहीं पर भी, तो उससे ई वेस्ट पॉल्यूशन होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। सो इसमें एक और इम्पोर्टेंट कन्वेंशन इसके साथ एसोसिएटेड थी, जैसे मैंने वो ऐसे बहुत सारी कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस इनके बारे में पढ़ी की डिटेल है। इसके साथ एसोसिएटेड आप याद रखिए बैस्टिल कॉन्फ्रेंस। और इस बैस्टिल कॉन्फ्रेंस से ये कहा था दैट ई वेस्ट डंप जब होता है, ई वेस्ट पॉल्यूशन का जो सोर्स है, ई वेस्ट ऐसे आप डंप करेंगे जिसमें 60% ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट हैज टू बी प्रमोटेड। बैस्टिल कॉन्फ्रेंस क्या बात है, 60% ऑफ रिसाइकलिंग। इस बैस्टिल कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट भी पड़ा था, जैसे 60% ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट है, इसके प्रोविजन का इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पे फोकस किया था। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है ये रिवाइज हुए थे इन 2016। एंड व्हाट वाज देयर पर्पस, इन्होंने नोटिफाई किया था टू वेरियस रूल्स विच वर बेसिकली अ रिविजन ऑफ द अर्लियर ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड टू मेक चेंजेस इन और यू कैन से अपडेट अर्लियर rules. और ये कब आए थे प्रीवियस वाले, वो 2011 में, ये देख 2011 में जो रूल्स आए थे, ये और क्लियर देता हूँ, इनको रिवाइज किया था 2016 के चेंजेस में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में। तो ये मैंने अभी जैसे डिस्कस किया है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं एनवायरमेंटल लॉ में। और ये क्या डील करता है, दीज आर बेसिकली डीलिंग विद द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउ दे कैन प्रोटेक्ट एंड एनहांस एनवायरमेंट। सेक्शन 3 इसका क्या पर्पज था, इट अलाउड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इनैक्ट ईच एंड एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी इनैक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन एनहांसमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द एनवायरमेंट। सेक्शन 3 सेक्शन 4 ये बहुत ही बेसिक है सेक्शन 3 पे। सेक्शन 4 भी एक और सेक्शन है इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो किससे डील करते हैं, देर मस्ट बी एन अथॉरिटी। अब देखिए जब रूल बनता है कोई अथॉरिटी होनी चाहिए टू डायरेक्ट लॉज, टू डायरेक्ट द पार्टीज टू डू समथिंग। तो दीज आर सेक्शन 4 डील्स विद द अथॉरिटी टू डायरेक्ट। इसमें और भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 8 डील करता है। सेक्शन 8 जो है वो डील करता है एनी पर्सन हु इज हैंडलिंग एनी हैजार्डस एलिमेंट, ही और शी मस्ट हैंडल दैट एलिमेंट विद दोज रूल्स दैट आर प्रेस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। सो दीज आर डीलिंग विद हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस एलिमेंट।
So there is section A deals with the handling of hazardous element and that too under prescribed rules. तो कैसे उसको हैंडल कर सकते हो.